नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 12 Pro Plus मोबाइल में नंबर को ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे किया जाता है। तो दोस्तों पहले यहाँ पे आपको बताऊंगा कि नंबर को ब्लॉक कैसे किया जाता है और बाद में बताऊंगा कि नंबर को अनब्लॉक कैसे किया जाता है। तो दोस्तों नंबर को ब्लॉक करने के लिए आपको अपना डायलर ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद आपके नंबर आ जाएंगे, जिस नंबर को आपको ब्लॉक करना है उस नंबर पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ब्लॉक रिपोर्टिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ब्लॉक कर देंगे तो सक्सेसफुली आपका यह नंबर ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक लिस्ट में पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही बात नंबर को ब्लॉक करने की। अब दोस्तों आपके ब्लॉक करने में जितने नंबर हैं उनको अनब्लॉक कैसे करेंगे, तो अनब्लॉक करने के लिए आपको फिर से अपना डायलर ओपन करना है। डायलर ओपन करने के बाद दोस्तों राइट साइड में ऊपर की तरफ थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ब्लॉकेड नंबर्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर ब्लॉक रहेंगे वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जिस नंबर को आपको अनब्लॉक करना है उसके सामने टिक यहाँ पे गुड़े का निशान दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से अनब्लॉक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो सक्सेसफुली आपका वो नंबर अनब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप Redmi Note 12 Pro Plus मोबाइल में नंबर को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।